सिंह राशि वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आपका मन भी परेशान होता चला जा रहा मुश्किल ये है कि आपके फैसले गलत होंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और अच्छी भली आर्थिक स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है क्या करना चाहिए सप्ताह में अपनी मुश्किलों का सही रूप से आंकलन करने की जरूरत है हर चीज को ध्यानपूर्वक समझने से ही समाधान निकलेगा और आपको भी इस समय अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी योजना बनानी होगी जरूरत से ज्यादा सपने देखने से भी नुकसान हो जाता है इसलिए सपने जरूर देखें लेकिन अपनी मेहनत को उसी अनुपात में बढ़ा भी दें क्या न करें सप्ताह में मतभेद भरी स्थिति उभरती चली जा रही है क्योंकि हर चीज़ मतभेद की ओर बढ़ रही है बहस भी चढ़ सकती है और उस बहस में आप अपने तर्क को लेकर जीतने का प्रयास करें ऐसा बहुत हद तक संभव है हो सकता है आप बहस में जीत जाएं पर आप अपनी मुश्किलों को नहीं बचा पाएंगे इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए काम और कारोबार की स्थिति मध्यम हो रही है इसके बावजूद के तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत में कमी आई है जिसके चलते काम से लाभ को बनाए रखना भी मुश्किल ही होता चला जा रहा है कन्या राशि वालों के विचार लोगों के प्रति बहुत अच्छे बने हुए हैं और आप लोगों की हर तरह से मदद भी कर पा रहे हैं इसका अच्छा असर ये होगा कि लोग भी आपके प्रति जागरूक रहेंगे और आपको हर तरह का सहयोग देना चाहेंगे क्या करना चाहिए इस सप्ताह में घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है अपनों की जरूरतें भी पूरा करते चले जाएं और रिश्तों के प्रति अपनी सहजता हर रूप से बनाए रखें आपको फायदा जरूर होगा क्या ना करें इस सप्ताह में किसी प्रेम संबंध में कोई ऐसा उतार चढ़ाव ना बनाते चले जाएं जिसकी जरूरत नहीं है इसलिए आपको यह कोशिश करनी होगी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें ताकि उनके प्रति आपके विचार बार बार बदलते ना चले जाएं धन का आगमन आने वाले सप्ताह में ठीक ठाक बना हुआ है लेकिन आपकी जरूरतें भी बढ़ रही इसलिए आप अपनी बचत को उतना नहीं बना पा रहे जितनी की ज़रूरत है शायद यही वजह है कि आप अपनी समृद्धि से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं पर ध्यानपूर्वक सोचें तो कोई ऐसी कमी भी नहीं है जिसे संभाला ना जा सके और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ती ही चली जाएगी तो यही है वो प्लानिंग जिनके साथ अगर आप अपने जीवन को प्लान करेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी आपके लिए वैसे भी कोई कमी ना रहे इसके लिए ज्योतिष गुरु हर रोज़ आपके साथ होते हैं बस आपको करना यह है कि अगर कोई भी मुश्किल या कोई भी समस्या है फ़ौरन हमें लिख भेजिए राजभल पर आपकी समस्या का समाधान हम आप तक पहुंचा देंगे ध्यान ये रखिएगा प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं और अपने सवाल के साथ थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी दें कि आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताएं अपनी सोच के बारे में बताएं ताकि आपके सवाल का सही ढंग से सटीक आकलन आप तक पहुंचाया जा सके तो बस ये साथ बनाए रखिए और साथ वैसे भी बनाए रखिए क्योंकि आखिर में अभी भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है जिसमें किसी भी राशि के लिए कुछ खास इशारे निकल कर, कर आएंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ इसमें भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि आ, सवाल व्यक्तिगत है छब्बीस बारह उन्नीस सौ तिरासी नौ बजकर चालीस मिनट सुबह दिल्ली में हुआ है जन्म 2009 में शादी हुई थी और 2020 से तलाक का केस चल रहा है उस केस का क्या होगा ये आप जानना चाहती हैं और दूसरा जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है जितना कमाती हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है तो क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में जब व्यक्तिगत जीवन और आपकी नौकरी पेशा जिंदगी दोनों ही अच्छी ना चल रही हूँ कुंडली यहाँ पर क्या बता रही है क्या दर्शा रही है आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु सर क्या राय है इनके लिए जब दोनों ही परिस्थितियां इनके खिलाफ है आपकी कुंडली है जी मकर लग्न की और कन्या राशि की आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2024 तक शादी से जुड़ी समस्याएं हैं डायवोर्स का केस चल रहा है जनवरी 2020 से फरवरी 2019 में शादी हुई 1 साल भी नहीं चली वो शादी और बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रही हैं इस समय जुलाई 2022 से हाल ही में आपकी एक दशा बदली है महादशा बदली है बल्कि और अगर मैं इस क्रम को देखूं, इन दशाओं को देखूं आने वाले समय में आपकी शादीशुदा जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेके तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है बेकार में समय बर्बाद होता चला जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा तो करना क्या चाहिए देखिए आपको सेटल कर लेनी चाहिए बात ताकि आप भविष्य की ओर देख सकें पीछे देखने से और पीछे की बातें सोच के परेशान होते चले जाने से कुछ हासिल होगा नहीं जी थर्टी नाइन ईयर्स की आपकी एज होने को है और इस वक्त अगर समय इस तरह से बीतता चला जाएगा तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को समझना है कि इस कानूनी पचड़े से निकल जाना ही अच्छा है आपने पूछा कि आपकी दूसरी शादी कब हो सकती है तो 2026 में आपकी दूसरी शादी हो सकती है अब से साढ़े तीन साल के बाद और उसका भी शायद एक इशारा इस वजह से है कि इतनी देर क्यों हो रही है क्योंकि आप इस लंबी कानूनी लड़ाई में चल रही हैं जिसका कोई फायदा नहीं है और देर ही बहुत ज़्यादा होती चली जा रही आपने अपनी जॉब वगैरह की बात की तो जॉब में ही बने रहना आपके लिए आपके हित में होगा तो कभी कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी जरूरी होती है स्थिरता ज़रूरी होती है और इस समय आपका जो जीवन है वो स्थिर रहे यही जरूरी है और यही कुंडली भी कह रही है कि जॉब में बने रहें जॉब की स्थिरता के साथ ही जीवन आगे जाकर बेहतर टर्न लेगा तो अभी स्थिर रखिए चीज़ों को वही अच्छा है आपके लिए आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी आपके लिए कैसे योग हैं क्या करना है कैसे क्या करना है सात दिनों की चूँकि बात है तो ये सात दिनों की तैयारी हम आपको बताएंगे कहाँ चूक होने की गुंजाइश है और उस चूक को कैसे दूर करना है कैसे सात दिनों को प्लान करना है नोट कीजिए। तुला राशि वालों को विचारों का मतभेद परेशान कर रहा है सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं जिसकी वजह से मन दुखी रहे पर बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि आपको अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी तरह की नाकामी से बचना होगा क्या करना चाहिए इस सप्ताह में अगर कोई बार बार उभरती हुई परेशानी बनती चली जा रही है तो उस बारे में और ज्यादा मनन करने की जरूरत पड़ेगी बहुत कुछ ऐसा भी है जो धैर्य से ही संभाला जा सकता है पर उसके लिए आपको खुद पे भरोसा भी करना होगा मुश्किलों का दौर आता है और बीत भी जाता है पर कोई भी तूफान अपने पीछे तबाही छोड़ जाता है इसलिए सतर्क रहने की जरूरत क्या ना करें इस सप्ताह में घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें अगर कोई भी चुनौती है तो उस चुनौती को सम, समय रहते संभाल लें पर उसकी वजह से दुखी ना होते चले जाएं अपने जीवन साथी को इस नजर से ना देखें कि वो हमेशा ही गलत है काम और कारोबार की स्थिति इसलिए भी कमजोर हो रही है क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा और अपनी जिम्मेदारियों से आप दूर भागते चले जा रहे हैं यही ठीक नहीं है क्योंकि अगर आपकी ओर से गलती होती चली जाएगी तो फिर उसे संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा वृश्चिक राशि वाले रिश्तों के प्रति जागरूक हैं और हर तरह की अच्छाई बनाने में सक्षम हैं। अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं आप और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है क्या करना चाहिए इस सप्ताह में कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिस ओर आपको ध्यान देना होगा कोई भी ऐसा विकल्प जो आपके प्रदर्शन को बढ़ा दे या आपकी जानकारी और ज्ञान में इजाफा करता चला जाए वो इस समय आपके हित में होगा और इसी से आपकी आर्थिक स्थिति में भी बुढ़ोती होती चली जाएगी क्या ना करें इस सप्ताह में अपनी कार्य क्षमताओं को किसी भी तरह से कम ना होने दें अगर मेहनत करने का समय है तो मेहनत कर लें क्योंकि मेहनत करने का समय भी रोज रोज नहीं बनता इसलिए ऐसे समय को भी हाथ से ना जाने दें काम से लाभ बना हुआ है और आपकी समृद्धि भी बरकरार है खर्चों को भी आपने रोकने की और संभालने की कोशिश की है जिसमें आपको कामयाबी भी मिली है इसी तरह के प्रयास जिंदगी में मदद करते हैं तो देखिए तो 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 कोशिश का कोई विकल्प भी नहीं होता और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती